नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो वीडियो में कुछ जानकारी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा अपडेट है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैम्प्स के बारे में, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, कैम्प्स एक मोनोपोली जैसे बिजनेस इंजॉय करते हैं क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस है वो है म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का। तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी जो है इसका काम करते हैं। अभी म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी होता क्या है, देखिए जो नया मतलब इन सब्सक्राइबर मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है उनको शायद पता नहीं, जो लोग पुराना है उसको जरूर पता है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का मतलब क्या है। मान के चलिए आप स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश नहीं करना चाहते, आप कहेंगे सर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इतने सारे चीज एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, तो मैं म्यूचुअल फंड करना चाहूंगा जहां पे मुझे कुछ टाइम देना नहीं पड़ेगा, मैं पैसा दे दूंगा और उसका फंड मैनेजमेंट जो है, जो फंड जो मैनेजर है वो मेरा पैसे को ग्रोथ कराएगा। तो ये बात तो सही है, आप कर भी सकते हैं इस तरीके से चीज। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस तरीके से चीज करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट जो सर्विसेज है वो किसके ऊपर काम करते हैं, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के माध्यम से। मतलब मान के चलिए आप म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड जब आप बाई करेंगे तब आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जब वो ही म्यूचुअल फंड को आप सेल करेंगे, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉसेस में हो, तो एक्स्ट्रा एक कमीशन आपको कैम्प्स को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैम्प्स आपका जो बिजनेस है, ये जो म्यूचुअल फंड है उसको ट्रांसफर किया कराते हैं, मतलब उसको क्लियरेंस कराते हैं। इस क्लियरेंस का जो चार्जेस है वो कैम्प्स खुद के ऊपर रख लेते हैं। इसका मतलब सोचिए, ज्यादा से ज्यादा इंडिया में स्टॉक मार्केट में अगर मार्केट चले 3% लोग अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का डायरेक्टली जो फायदा है वो कैम्प्स को मिल जाते हैं। इसलिए मैं कैम्प्स के ऊपर हमेशा एक बुलिश फील करता हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल और भी ज्यादा हाई ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लोग 2% से 2.5% तक स्टॉक मार्केट में निवेश किया डायरेक्टली इक्विटी में, आज 3% के आसपास लोग निवेश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके डीमैट अकाउंट बढ़ रहा है, ट्रेडिंग बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड भी और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब म्यूचुअल फंड लोग ज्यादा करेंगे तो डायरेक्टली फायदा कैम्प्स को मिलेगा। और कैम्प्स का जो परफॉर्मेंस आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ, इसका जो जो परफॉर्मेंस है मुझे बेस्ट तरीके से देखने को मिला। डेप्थ जीरो है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम भी बहुत शानदार है और हाथ में कैश भी शानदार देखने को मिला। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी अभी तक सेप्टेम्बर का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। तो कब रिजल्ट आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा, फाइनल डेट कब मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, पिछली बार का जो डेटा है उस डेटा से आपको पता चलेगा कि कंपनी एक एवरेज लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा मेंटेन करते हैं। पिछले बार 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 73 करोड़। तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ हुआ। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी ने आपको जो रिटर्न रेशियो जनरेट करके दिया, 3 साल में 23% के आसपास रिटर्न दिया, 1 साल में कुछ खास नहीं बाकी 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये तीनों चीज को आपको बहुत शानदार और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे एज ए बात करूं इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, इस सारे चीजों को अच्छा खासा यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग करीबन 20% के आसपास है और FS के पास 38% और DS के पास करीबन 16% और पब्लिक के पास करीबन 25% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला। अभी यही चीज को मैं एक चीज के हिसाब एक डेटा के हिसाब से बता दूं कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ अलग लेवल में है और अलग तरीके से देखने को मिला है। अभी इस बेसिस में कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस बेसिस में कंपनी के ऊपर आपको जो जो करना चाहिए वो है, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ पैरामीटर्स देखना चाहिए। जैसे कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में डिलीवरी आप देखेंगे तो हायर लेवल का डिलीवरी देखने को मिला, करीबन 68% 70% के आसपास डिलीवरी उठाया गया है। इसका मतलब हाई वैल्यूएबल डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिला है। अभी रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो देखिए मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था, कुछ इस तरीके से था, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर के हेड हुआ।
तो इस तरीके से जब भी पैटर्न क्लियर होता है तो आपको इंतजार करना है उस लेवल के ऊपर, जब भी ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो वहां पे एंटी बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हुआ और इसके ऊपर एंटी बना और टारगेट जो नेक्स्ट जो लेवल है, जो लेवल कहाँ से बनेगा, आप इस तरीके से पैटर्न जब फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा जो हेड का जो साइज होगा उस हेड को मार्किंग कर लेना और वही मार्किंग ऊपर बैठा देना। तो यही हो जाएगा कंपनी के लिए टारगेट। तो इस टारगेट को आपको देखिए इजीली कंपनी ने अचीव भी किया। तो फिलहाल के लिए अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक बिग जैसे कब मतलब कब बना और मुझे लगता है यहाँ पे एक हैंडल भी क्रिएट करेगा और उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा धमाका यहाँ पे मिलेगा। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी को किस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। और जो बात मैं आपको पहले बताया था कि कंपनी की जो रिजल्ट, देखिए फाइनली अभी डेट रिजल्ट का अभी तक आया नहीं, जब रिजल्ट का डेट आएगा तो मैं जरूर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए इजी टी प्लानर इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन टिकटिंग बेचने वाला कंपनी है और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट नहीं, सिर्फ इंडिया के दो ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है। टिकट जितने सारे कंपनी बेचते हैं उनमें से दो ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है। एक देखा जाए तो IRCTC है जो एक गवर्नमेंट कंपनी है और उसके बाद इजी टी प्लानर जो एक प्राइवेट कंपनी है। इस दोनों कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, इस दोनों कंपनी में हाई मतलब ग्रोथेबल हमेशा देखने को मिलता है। इजी ट्रिप जो प्लानर है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अलग लेवल का है, तो इसलिए कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार देखने को मिला है। कंपनी एकदम डेट फ्री कंपनी है और ना के बराबर डेट है, इनकम भी बहुत ज्यादा है और ROC ROE बेस्ट देखने को मिला। देखिए हमेशा किसी भी कंपनी के ऊपर आपको ROCE देखना है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इसके यहाँ पे टैक्सेशन को ऐड करने के बाद ही आपके सामने पेश किया जाता है। तो एक परसेंटेज वाइज आपको देखना है कि अगर 20% के ऊपर है तो उसको अच्छा माना जाएगा, तो यहाँ पे कितने परसेंट है 54 और ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। कॉमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है, हर कंपनी के पास जो डेप्थ है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी यहाँ पे एक चीज आपको मैं मेंशन कराऊंगा, सबसे पहले कंपनी जो जो कर्जा के बारे में बातचीत करा मतलब मैं कर्जे के बारे में जो बातचीत करा किया हूँ वहां पे देखेंगे तो बीच में कंपनी कर्जा लिया। अभी मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि यहाँ पे जो कर्जा है अभी तक वो कर्जे को रीपेमेंट नहीं किया, क्योंकि कंपनी का कर्जे का जो अमाउंट है वो उतना ज्यादा नहीं है, करीबन 10 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा अभी भी ड्यू है, उसको कंपनी को रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पर भी आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व बढ़ते चले गए और कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर था, आज छोटा मोटा कर्जा कंपनी ऐड किए है। अभी कितना कर्जा ऐड किया और इसके पीछे कारण भी कौन सा है, अगर कर्जे के एडिंग के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए 163 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला। तो सोचिए इतना बड़ा अगर कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए कंपनी को तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगा, तो फंडिंग कहां से मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना है 143.7 करोड़ के आसपास, तो कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिला 163 करोड़, तो बाकी पैसा कंपनी ने कर्जे के हिसाब से ले लिया। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी दिखेगा। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर DS और FIS के पास उतना होल्डिंग क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी बहुत छोटा है, इजी टी प्लानर एक 350 करोड़ के आसपास मार्केट कैप का कंपनी है, छोटे कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेंगे। तो रही बात कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी थोड़ा सा वीक देखने को मिला, इसका मतलब परसेंटेज वाइज दिखा दूं तो 30% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है। उसके बाद देखिए मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि जब भी इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे देखिए बहुत दिनों तक इस लेवल को वो रेजिस्टेंस फेस किया, बहुत बार उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश किया, फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो 18 तारीख को सेप्टेम्बर में यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई ब्रेकआउट होगा तब डायरेक्टली उसके ऊपर एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पे वो एक बार रिवर्सल करेगा फिर से वो रिटेस्ट करके अगर ब्रेकआउट दे तभी एंट्री बनेगा। तो रिटेस्ट दिया यहाँ पे इस लेवल के ऊपर भी एंट्री बन सकता था, तो एक्चुअली फाइनली अगर देखा जाए तो इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ उसके साथ साथ एक प्रीवियस जो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है उसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया है।
अभी देखना है कि कंपनी 200 डेज ईएमए को किस तरीके से मतलब ब्रेकआउट करते हैं। अगर ब्रेकआउट ना कर पाए फिर से वो फॉल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए छोटे मोटे ट्रेड बन सकते हैं, अभी लॉन्ग टर्म के लिए यही कहूंगा। कंपनी के ऊपर भरोसा है तो इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए भी जरूर स्टडी करिए। और मेरे वीडियो हमेशा एज इन इंफॉर्मेशन के हिसाब से है, एज ए एजुकेशन पर्पज में है। तो प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके एक बार रिसर्च और आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। किसी के बात सुनकर ब्लाइंडली निवेश मत करना, मेरे बात सुनकर भी। तो प्लीज रिसर्च करके ही सब कुछ डिसीजन लेना। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है MCX। तो MCX के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो MCX शेयर प्राइस एक्सटेंड रैली टू हिट रिकॉर्ड हाई। कंटिन्यूसली MCX हाई करते ही जा रहा है, उसके पीछे रीजन भी है। देखिए जब मार्केट में फॉल होता है तब कमोडिटी सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है, मतलब लोग कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। मान के चलिए मार्केट जब कोविड के टाइम में बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो गया था उस टाइम सबसे ज्यादा तेजी से भाग रहा था गोल्ड सिल्वर निकल इस तरीके से प्रोडक्ट, इसका मतलब कमोडिटी प्रोडक्ट। और MCX किसके ऊपर काम करते हैं, MCX एक डेरिवेटिव कंपनी है और वो भी कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर। तो कमोडिटी मतलब गोल्ड सिल्वर निकल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो ट्रेडिंग कराते हैं MCX के माध्यम से। और सारे ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स के ऊपर है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड होता है। तो डायरेक्टली फायदा कब किसको मिलेगा, MCX को, क्योंकि लोग जब मार्केट नेगेटिव टर्न में होता है तो उस टाइम हर व्यक्ति कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वहां से अच्छा खासा रिटर्न और अच्छा खासा अपटर्न मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, देखिए लास्ट कुछ डेज में 25% के आसपास ग्रोथ हुआ। इसके ऊपर मैंने एक चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर किया था, आप देखेंगे तो MCX के ऊपर एक लंबा सा जर्नी में आपके साथ शेयर किया हूं। आप देखेंगे बिग जैसे एक कप बना, उसके बाद छोटा सा एक हैंडल भी क्रिएट हुआ। अभी देखिए कप विद हैंडल पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे अच्छा खासा पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। फाइनली देखा जाए तो इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ जो 2196 के आसपास है। तो 2916 के आसपास ब्रेकआउट हुआ तभी टारगेट कितना बनेगा, टारगेट बनेगा 3075 के आसपास। तो सोचिएगा यहाँ पे शानदार तरीके से एंट्री लेवल और यहाँ पे शानदार तरीके से टारगेट बन सकता है। तो यही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेटेजी होता है तो उसके ऊपर फॉलोअप करिए, उसके ऊपर स्टडी करिए। और स्ट्रेटेजीज मेरे सबसे जो पसंदीदा स्ट्रेटेजीज है वो है कफ विद हैंडल पैटर्न्स। इस तरीके से पैटर्न जब जब बना और जब जब इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैंने काम किया मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इसी तरीके से पैटर्न्स में बना। और आपके क्या राय है इस पैटर्न्स के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। क्योंकि MCX के ऊपर सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इन्वेस्टर के ऊपर देखिए FS और DS ने तगड़ा बाइंग करके रखा, क्योंकि उसको पता है कि कमोडिटी सेगमेंट एक ऐसे सेगमेंट है जिसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि लोगों के पास आज पैसा है तो वो हमेशा फटाफट पैसा कमाने के लिए वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर काम करते हैं। और कमोडिटी के ऊपर शाम के बाद ज्यादा से ज्यादा ट्रेड इसीलिए होता है क्योंकि सुबह सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग काम में बिजी होता है, तो उसको ट्रेड में मतलब इक्विटी मार्केट में वो ट्रेड नहीं कर पाते और वो ट्रेड शाम के बाद ही कर पाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा उसको कमोडिटी सेगमेंट भी ट्रेड करना टाइम मिलता है, तो इसलिए कमोडिटी के ऊपर ट्रेड कर लेते हैं। तो अभी इक्विटी मार्केट के ऊपर भी आप मतलब डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर भी आप ट्रेड कर पाएंगे, वो भी 9 बजे तक शाम के, क्योंकि NSE अभी टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने वाले हैं। 3:30 बजे तक जो मार्केट खत्म हो जा रहे थे वो अभी 9 बजे तक चलेगा। तो ये अपडेट्स आपके पास पहले था तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए नेस्ले इंडिया एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में पहले बोल चुका हूं कि इंडिया के एक पॉपुलर मतलब बेबी फूड्स बनाने वाला कंपनी है, बेबी फूड इंडस्ट्रीज में इसका मोनोपोली है। इसका मतलब इस कंपनी 62% बेबी फूड्स के ऊपर प्रोडक्ट को बेचते हैं। और देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा है और कंपनी अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल कंपनी है। और इसीलिए कंपनी ये बता रहा है कि मेरा जो टोटल जो करंट प्राइस है करीबन 24,000 के आसपास, इसको मैं क्या करूंगा, ब्रेक करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए इतने हाई प्राइस के ऊपर रिटेल पब्लिक निवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंपनी बता रहा है मैं इसको जो मेरा जो फेस वैल्यू 10 रुपया है इसको मैं 1:10 रेशियो के हिसाब से स्प्लिट करने वाला हूँ। 1 के बदले 10 शेयर में देने वाला हूँ जितने सारे लोग इस मेरे कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है वो यही चाह रहा है कि रिटेल पब्लिक भी इसके ऊपर निवेश करे। बाकी अब समझदार है, समझदारी के हिसाब से कंपनी के ऊपर काम करना।
मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और टोटल वीडियो एडुकेशन पर्पस में था, तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिलता है तो प्लीज लाइक करना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, नीचे लिंक्स अवेलेबल है, और आप अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो मेरे तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए डीमेट अकाउंट को जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट वीडियो में तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।